हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय इतिहास का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरी, ठीक, तो इसका मैं संभव सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, जो आपका 15 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल सही विकल्प से लेकर रिक्त स्थान को पूरे पेपर सोल्यूशन से समझाया, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सबको यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे आपके पेपर को इसी प्रकार से होगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, सर्वप्रथम देखेंगे आप लोग सामने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सही विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प आपके 6 नंबर में आने वाले हैं, तो इन सही विकल्प को हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि ये मुझे भी पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक। तो पहला लगा आप लोग सामने, विश्व के प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था, मतलब कि इनमें से जो विश्व की प्रथम कानून संहिता थी तो निर्माण कराया था, तो किसने कराया था तो बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसका ऑप्शन ए है, नहीं सा है या बा है, तो आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सा, यानी हम्मुराबी ने, ठीक। चलिए दूसरा लगा आप लोग सामने, जूलियस सीजर, यानी जूलियस सीजर किस देश के शासक थे, तो जूलियस सीजर किस देश के शासक थे, तो ये थे रोम के, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा लगा, रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, जो रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, तो इसमें हो जाएगी आपकी लेटिन, यानी कि आपकी लेटिन भाषा थी, यानी सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा लगा आपका, मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, जो मंगोलों का सर्वप्रथम किसने संगठित किया था, तो ये किया था आपको, इनका हो जाएगा चंगेज खान, मतलब चंगेज खान ने किया था, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके सामने पांचवा, जिसमें देखा लिखा गया है हर काला पद्धति क्या थी, जो हर काला पद्धति है तो वो क्या थी, तो वह हो जाएगी सूचनाओं के आदान प्रदान की पद्धति, यानी द ऑप्शन आपका सही हो जाए, ठीक बच्चों। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आप लोग छठवा, जिसमें सत वर्षीय युद्ध किस किन देशों के मध्य लड़ा था, यानी सत वर्षीय युद्ध हुआ था तो किन दो देशों के बीच लड़ा था, तो ये लड़ा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यानी द ऑप्शन आपका सही हो जाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, तो हम आप लोग सामने रिक्त स्थान भरेंगे और लिख के भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक। तो ये 7 नंबर में आने वाले हैं आपके रिक्त स्थान, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 7 ही दिए गए। तो पहला लगा आप लोग सामने, पहला लिखा है कुमार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम में किया गया था, जो कुमार का चाक होता है तो वो सर्वप्रथम कहाँ पर मतलब उपयोग किया गया था, तो वो किया गया था मेसोपोटामिया में, ठीक। तो आप लोग इस प्रकार से लिखना है मेसोपोटामिया, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा लिखा है आप लोग सामने, आधुनिक इराक को प्राचीन काल में के नाम से जाना जाता था, तो इसको भी हम लोग मेसोपोटामिया नाम के नाम से जाना जाता था, पोटामिया, ठीक। तीसरा लिखा आप लोग सामने, सम्राट ने ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म घोषित किया था, तो किसने किया था, तो थियोड, आप लोग इस लोग थियोडोसियस, ठीक, इस प्रकार से लिखना है। चलिए चौथा देख लीजिए हम, चौथा लगा मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, चौथे लोग तुमन कहा जाता था। पांचवा लगा सामंतों का निवास स्थल कहलाता है, जो सामंतों का निवास स्थल क्या कहलाता है, तो पांचवा लोग मैनर। फिर लगा छठवा, फ्रैंक नामक जनजाति मूलतः खालिस्तान देश की थी, तो कौन सी देश की थी, तो इसमें लोग जर्मनी देश की, छठवें हो जाए जर्मनी। लगा है सातवां, मुत्सुहितो जापान के राज सिंह शांत पर बरस में आसीन हुआ, तो कौन सी बरस में हुआ था, तो उसमें लोग सातवें का हो जाएगा 1867 ईस्वी। तो बच्चों इस प्रकार आलू सामने रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टू, नेक्स्ट आलू सामने सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ हम आपके सामने मिलाने वाले हैं। तो जैसा पहला लगा आप सामने तस्मान, ठीक, तो पहले का मिला हुआ कैसे, एक मिनट, तस्मान का मिलाना आपको तस्मानिया से, यानी कि चौथी वाले से, ठीक। तो पहले का मिला हुआ है चौथी वाले, ठीक। दूसरा लगा है जेम्स कुक, तो जेम्स कुक का मिला हुआ है आपको दूसरे का मिला हुआ है दूसरी वाले से, ठीक, दूसरे का मिला हुआ है दूसरी वाले से। तीसरा लगा है कनगावा संधि, तो तीसरे का मिला हुआ कनगावा संधि का मिला हुआ है आप लोग पहले वाले से, ठीक, पहले वाले से, ठीक, इसका पहले। चीन में गणतंत्र दिवस की स्थापना, मतलब चौथा, चौथे का मिला हुआ है आप लोग 1912, मतलब कि पाँचवें वाले थे, और पाँचवें वाला कहाँ पे आपका, पाँचवें वाला इस तरफ, ये रहा, तो पाँचवें वाले को 1912, ठीक। फिर लिखा है यहाँ पर माइकल एनजीओ, फिर पाँचवा है जापान में सेगुन का सत्ता, तो पाँचवें मिला हुआ आप लोग तीसरे वाले से, और चौथे का हो गया अपना जे वाला, और पाँचवें मिला हुआ आप लोग दूसरे वाले से, जो उस टाइप कर गया इस तरफ है, और छठवीं का मिला हुआ है छठवें से, ठीक, माइकल के से दोनों के आमने सामने मिल जाएंगे। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, ठीक बच्चों।
चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर लिखना है, तो एक शब्द एक वाक्य आंसर ही में हम करेंगे, फिर इसके बाद साथ साथ करेंगे। चलिए एक शब्द एक वाक्य आंसर कर लेते हैं। तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर, मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो क्या था, कृषि थी, तो कृषि लिखेंगे। दूसरा लगा आप लोग सामने यहाँ पर, मठों के निवास करने वाले भिक्षुणियों को क्या कहा जाता, तो नंग नन कहा जाता था, दूसरे लोग नन कहा जाता था। तीसरा, मैकी या बली द्वारा रचित किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, तो आप लोग तीसरे लोग दी प्रिंस, दी प्रिंस एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हुआ। चौथा लगा, पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया, तो ये कहा था, बनाया था किसने, तो लोगों के गेरहाडस मर्केटर ने, मर्केटर ठीक मर्केटर ने। फिर लगा पाँचवा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, पाँचवें ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक, तो लिखो कैप्टन जेम्स कुक, ठीक। छठवां देख लेते हैं, छठवां का हॉकी किस प्रकार का समुदाय था, तो हॉकी का हो जाएगा पर आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय ये हो जाएगा, ठीक। सातवां देख लेते हैं, सातवां ना एशिया में ओलंपिक खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया था, तो टोक्यो में, कहा क्या लोगों, टोक्यो, ठीक। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग सामने सही मतलब एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट हुए कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट हो, तो नेक्स्ट आएंगे आप लोग सामने साथ साथ, तो इन्हें भी हम लोग अच्छी तरह से करेंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। पहला लगा है मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्र पर लिखा करते थे, तो पहले का लोगों के आप लोग क्या असत। दूसरा लिखोगे जूलियस जी सीजर यूनान का महान शासक था, तो दूसरा हो जाए असत। तीसरा लगा मंगोल सरदारों की परिषद को कुरील थाई के नाम से जाना था, तीसरे हो जाएगा सत। चौथा लगा मध्यकालीन यूरोप की सबसे प्रमुख समानता है, चौथे हो जाएगा सत। पाँचवा लगा उगते हुए सूर्य देश जापान कहा जाता है, तो पाँचवें हो जाए सत। छठवा लगा संगून चीन का शासक था, तो हो जाएगा असत। तो जो इस प्रकार से आप लोग सात सात पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग सामने बच्चों, ये दो दो नंबर के प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इन्हें अच्छी तरह से सीख लीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग पास में बुक तो होगी, बुक ना हो तो हमारे पास मैंने इसका इन सभी का सोल्यूशन इस पीडीएफ में बनाया है, और ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल देने वाला हूँ। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा आपसे, बिल्कुल पूरा फ्री है, ठीक, क्योंकि मैं आप लोग ये हेल्प करना चाहता हूँ। आप लोग इसे पढ़ लीजिए और रिविजन कर सकते हैं कि हम पे कितना बढ़ रहा है कितना नहीं है, तो प्रश्न का छठवा है सातवां है आठवां है, तो पूरा आप पहले आप लोग प्रश्न देख लीजिए, ठीक, कितने प्रश्न दिए गए हैं आपके पेपर में। तो आप लोग देख रहे तो नौवां प्रश्न हो जाता है, दसवां हो जाता है, ग्यारहवां हो जाता है, बारहवां, तो बारहवीं तक की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए फिर इसके बाद आपके सामने हो जाता है तेरहवां प्रश्न हो जाता है, चौदहवां प्रश्न हो जाता है, पंद्रहवां और सोलहवां, तो इन सभी का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक। तो चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11, जैसे आपको फिजिक्स का करना तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र का करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स का करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पर सर्च करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा भौतिक शास्त्र, ठीक है। आपको क्या देखना है, स्टडी नोट्स pj.com ही देखना है आपको, ठीक है। इस पर पीजे का लोगो लगा होगा पीले कलर का, स्टडी नोट्स pj.com लिखा होगा और यहाँ पर लिखा भी है सेट ए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है, ठीक है, असली पेपर है और फिजिक्स का ये डला हुआ है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है, जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद एमबी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, तो यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो आप देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट पे ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है, तो आपको अपडेट होते जाएंगे यहीं पे, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए 16 के बाद हो जाता है आपका प्रश्न, 17वां प्रश्न हो जाता है, वही 18वां हो जाता है, 19वां कोई 20वां, ठीक है। इधर ये तीन तीन नंबर के चार चार नंबर के प्रश्न है, ठीक। चलिए फिर आपके 21वां प्रश्न हो जाता है और ये 22वां में आपका एक मानचित्र रहेगा, 23वें एक मानचित्र रहेगा जिसमें आपको सामने नाम भरना है, ठीक। चलिए आप इसके आंसर बताने वाला हूँ, तो इनके आंसर हमारे पास इस प्रकार से मैंने बना रखे हैं पूरे प्रश्न क्रमांक बाई प्रश्न क्रमांक, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो।
तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बहुत से बच्चे जुड़ जाएंगे, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर ग्रुप पर नहीं मिलता है पीडीएफ तो आप लोग स्टूडेंट नोट पीजी वाली वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो इसको आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी की आ रही है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने आपको उस लिखते स्थान सही प्रकार समझाए, इसी प्रकार से लिख लिख के मैं सभी के आंसर भी बताऊंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।